विद्यार्थियों, आज का हमारा नया टॉपिक है फाइलेक्टिनिया, जो कि एस्कोमाइसिटीज के पायरेनोमाइसिटीज का सदस्य है। फाइलेक्टिनिया जो कि क्लासिफिकेशन अगर हम उसका देखें तो क्लासिफिकेशन प्लांटिंग किंगडम, डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न यू माइकोटिना, क्लास एस्कोमाइसिटीज, सब क्लास यू एस्कोमाइसिटीडी, ऑर्डर इरिसाइफेस, फैमिली इरिसाइफेसी एंड जीनस फाइलेक्टिनिया। फाइलेक्टिनिया जिसका वेजिटेटिव माइसीलियम, हाइलाइन, सेप्टेट और होस्ट के सरफेस पर एपिसोरियम के द्वारा, जो कि हाइपल कोशिकाओं के द्वारा ये पौधे के उत्तकों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके अंदर कोनिडियल स्टेज जिसके अंदर ओइडियम बनते हैं, कोनिडिया इसके हाइलाइन होते हैं, और आर्थ्रोस्पोर के रूप में बनते हैं जो कि जॉइंटेड होते हैं, और चेन के अंदर तलाविसारी क्रम में बनते हैं। कोनिडिया वाइट इन मास होते हैं और पाउडर के जैसी एक संरचना बनाते हैं होस्ट की सरफेस के ऊपर, और इसीलिए इसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। तो इरिसाइफेस के जो भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य चूर्णिलाशिता के नाम से जाने जाते हैं, और चूर्णिलाशिता के अंदर पौधे की पत्तियों पर उसकी ऊपरी या निचली सतह के ऊपर पाउडर की जैसी संरचनाएँ बन जाती है, जिसका माइसीलियम जो है एक्टोपैरासाइट होता है, बाहर की ओर रहता है और अपने होस्टोरिया के द्वारा भोजन पौधे की टिश्यू से अंदर की तरफ से खींचता रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज पाउडरी मिल्ड्यू एंड फाइलेक्टिनिया इज वन ऑफ देम। फाइलेक्टिनिया की अगर अक्रेंस देखें हम, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फाइलेक्टिनिया एंड विच द कॉमनेस्ट फाइलेक्टिनिया इज द फाइलेक्टिनिया दलबर्जियाई। दलबर्जिया शिशु, और जिसको हम कह सकते हैं सफ़ेद शीशम के ऊपर उसकी पत्तियों के ऊपर फाइलेक्टिनिया दलबर्जियाई नामक जीनस पाया जाता है, और ये फाइलेक्टिनिया के सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये शीशम के अंदर चूर्णिलाशिता नामक रोग करता है, जिसका रोग कारक फाइलेक्टिनिया दलबर्जियाई है। इसके स्पेसिमेन विंटर सीजन के अंदर जब पत्तियां नीचे गिरना शुरू होती है तब इसको कलेक्शन किया जा सकता है। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में, या हम जिसको कह सकते हैं अविकल्पी परजीवी के रूप में ये पाया जाता है। फाइलेक्टिनिया गटाटा इज दी अनदर स्पीसीज ऑफ इरिसाइफेसी फैमिली। इट इज प्लांट पैथोजन डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट रीजन। ये समशीतोष्ण भागों के अंदर ये मेंबर पाया जाता है, फाइलेक्टिनिया गटाटा, जो कि कई सारे प्लांट्स के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू रोग करता है। अगर हम इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें, इसका माइसीलियम जो है पत्ती की सरफेस के ऊपर सफ़ेद रिंग्स के ऊपर रूप में ग्रो करता है। हाइपीस की जो है वो होस्टोरिया के माध्यम से जो है अपना भोजन खींचती है, और ये होस्टोरिया जो है पौधे के स्टोमेटा से अंदर घुस जाते हैं यहाँ से, और अंदर जाकर के ये हाइपल सेल जो है आगे जाकर के एक होस्टोरिया बनाती है, और ये होस्ट से भोजन खींच करके ऊपर की तरफ सरफेस के ऊपर जो है फंजाई की ग्रोथ को आगे बढ़ाती है। इट्स हाइपी आर हाइलाइन ब्रांच एंड सेप्टेट, दिस फॉर्म ए वाइट मैट ऑन द सरफेस ऑफ लीव। पत्ती की सरफेस के ऊपर सफ़ेद एक जाल बुन देती है, और ये रंगहीन जिसको हम कह सकते हैं कांचाब होती है, ब्रांच होती है, और इनके अंदर जो है सेप्टम पाया जाता है। अगर इसका हम अलैंगिक जनन देखें तो फंगस अलैंगिक जनन के दौरान एक कोशिकीय हाइलाइन कोनिडिया का निर्माण करती है। कोनिडिया की वाल जो है दो लेयर्ड होती है, ऊपर की लेयर जो है स्मूथ और थिन होती है, जबकि इनर की लेयर होती है थोड़ी बड़ी होती है। उनके ऊपर टूथ में मार्किंग होती है सरफेस के ऊपर। इस कोनिडिया जो है ये लॉन्ग कोनिडियोफोर के ऊपर एकल रूप में बनते हैं, और स्टोमेटा के द्वारा, होस्ट के स्टोमेटा के द्वारा जो है ये ऊपर की तरफ जो है बाहर दिखाई देते हैं। कोनिडिया जो है वो इलोंगेटेड स्पिंडल सेप्ड और ब्लंट एंड के साथ होते हैं। कोनिडियम जो है कोनिडियोफोर से नीचे गिर जाता है, और गिर करके सब टर्मिनल सेल जो है अगेन डिवाइड करती है, फिर कोनिडियम बनाती है। तो लगातार जो है सब टर्मिनल सेल के द्वारा कोनिडिया का निर्माण होता रहता है, और कोनिडिया जो है पत्ती की सरफेस के ऊपर गिरता रहता है। ये कोनिडिया हमेशा सामान्यतः सिंगली बनते हैं, कोई इसके अंदर चेन नहीं बनती है, और ये कोनिडिया जो है सरफेस के ऊपर गिर करके और एक वाइट पाउडरी मास बनाता है, और इसी कारण से इसको हम पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णिलाशिता भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये माइसीलियम जो कि ऊपर की तरफ ग्रो कर गया, इसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं, और कोनिडियोफोर के ऊपर यहाँ पर एक सब टर्मिनल सेल बनती है। सब टर्मिनल सेल के ऊपर की ओर कोनिडियम का निर्माण होता है। यहाँ पर ये दोनों तरफ कोनिडियम दिखाए गए हैं, और ये इसका माइसीलियम है जो कि ग्रो कर रहा है सरफेस के ऊपर। तो कोनिडियम जो कि एक कल रूप के अंदर सिंगल कोनिडिया के रूप में कोनिडियोफोर की ऊपर की
टिप पे बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन, दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन लेटर समर, गर्मी के लेट सीजन के अंदर जो है लैंगिक जनन होता है, जिसमें हाइपी जो है वो एक्टोफाइटिक होती है, कोनिडिया जो है वो प्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले बंद हो जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप इसके अंदर जो है क्लिस्टोथीसिया का निर्माण होता है, जो कि एक ब्लैक बॉल और हम कह सकते हैं एक क्लोज्ड एक बॉडी होती है, जो कि इसकी परफेक्ट स्टेज के रूप में पति के सरफेस पर कोनिडिया के स्थान पर बनने बनती है। लैंगिक जनन के द्वारा इसमें दो सेक्स ऑर्गन बनते हैं, जिसको हम एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया कहते हैं। एस्कोगोनिया जो कि मादा जननांग होता है, एंथ्रीडिया नर जननांग होता है। लैंगिक जनन के दौरान तीन मुख्य स्टेज होती है, जिसको हम प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस कहते हैं। प्लाज्मोगेमी जो कि दोनों सेक्स ऑर्गन के आपस में कॉन्टैक्ट के द्वारा, जिसको हम गेमिटेंजल कॉन्टैक्ट कहते हैं, इसके द्वारा प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया संपन्न होती है, और प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया के द्वारा एस्कोगोनियम के अंदर मेल न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाते हैं, और मेल न्यूक्लियस ट्रांसफर होने के बाद में एस्कोगोनियम से एक एस्कोजिनस हाइपी का निर्माण होता है, जिसके अंदर दोनों दो केंद्रक जोड़े के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और प्रत्येक केंद्रक डिवाइड करके और वो एक एस्कस मदर सेल का निर्माण करती हैं, जिस एस्को मदर सेल के अंदर कैरियोगेमी और जिसको हम कह सकते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, और न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के साथ ही जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये जाइगोट मियोसिस के द्वारा आगे चल करके एस्काई, जिसके अंदर 8-8 एस्कोस्पोर का निर्माण होता है। दी वेजिटेटिव हाइपी ग्रोज अराउंड द सेक्सुअल एपरेटस, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स जो ग्रो कर रही होती है उसके आसपास की जो वेजिटेटिव हाइपी होती है वो आपस में एक दूसरे से गुथ करके एक स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का निर्माण कर सकती है, और स्यूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का निर्माण करके और आगे चल करके वो एक फूडिंग बॉडी का निर्माण कर लेती है, जिसके अंदर एसआई और एस्कोस्पोर पाए जाते हैं, जिसको हम क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। ये फ्लूटिंग बॉडी फाइलेक्टिनिया के अंदर फॉर्म होती है, फाइलेक्टिनिया कोरालिया के अंदर, ये मोरस एल्बा के अंदर जो है भी बनती है, और ये जब पत्तियाँ नीचे गिर जाती है तो पत्तियों की बॉडी के ऊपर, पत्तियों के सरफेस के ऊपर आपको ब्लैक डॉट आल्पिन के हेड के आकार के कई सारे क्लिस्टोथीसिया उस पर दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स इस प्रकार से बनते हैं। इसके अंदर ये नर जननांग है, ये मादा जननांग है। नर जननांग को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, मादा जननांग को हम एस्कोगोनियम कहते हैं। यहाँ पर इसके अंदर कैरियोगेमी की प्रक्रिया संपन्न होती है, कैरियोगेमी की प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्लाज्मोगेमी संपन्न होने के साथ ही इसके अंदर एस्कोजिनस हाइपी का निर्माण होता है, और एस्कोजिनस हाइपी के द्वारा इसके अंदर एसआई और एस्कोस्पोर बनते हैं। आगे चल करके आप देखेंगे किस प्रकार से इसके अंदर आगे चल करके एस्को जीनस हाई बी के द्वारा अंदर की तरफ एस्कस और एस्कोस्पोर बनते हैं। हालांकि इसके अंदर प्रत्येक के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के अंदर उसमें केवल 2 एस्कोस्पोर बचते हैं और 6 एस्कोस्पोर जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है इसको हम क्लिस्टोथीसियम कहते हैं, और क्लिस्टोथीसियम के अंदर की और कई सारी एसआई पड़ी रहती है। इन एसआई के अंदर प्रत्येक के अंदर 2-2 एस्कोस्पोर ही पाए जाते हैं मैच्योरिटी के ऊपर, बाकी जो है वो एस्कोस्पोर डिजनरेट हो जाते हैं, और इसीलिए इसके अंदर जो 2 एस्कोस्पोर होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और 6 एस्कोस्पोर इसके अंदर डिजनरेट हो जाते हैं। क्लिस्टोथीसियम द फ्रूटिंग बॉडी इज विजिबल टू नेकेड आई एज ब्लैक डॉट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया काले डॉट्स के रूप में इसी पत्तियों की सरफेस के ऊपर दिखाई देती है। फ्रूटिंग बॉडी राउंडेड होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विदाउट एनी ओपनिंग होते हैं, जिनके ऊपर कोई भी ओपनिंग नहीं होती है, ग्लोबस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, और फ्रूटिंग बॉडीज अपने अपेंडेजेस के द्वारा, अपने उपांगों के द्वारा ये पत्ती की सरफेस के ऊपर चिपके रहते हैं। क्लिस्टोथीसियम जो कि फाइलेक्टिनिया के अंदर पर्टिकुलरली इसके जो अपेंडेज होते हैं उनके आधार खुले हुए रहते हैं। ये पहचानने का तरीका है कि फाइलेक्टिनिया को कैसे पहचानेंगे, तो फाइलेक्टिनिया का क्लिस्टोथीसियम अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर उसके अपेंडेजेस जो है वो नीचे आधार पर खुले हुए रहते हैं, बल्बस बेस वाले होते हैं, इसी के आधार पर पहचानते हैं कि ये फाइलेक्टिनिया है। इसी प्रकार से इरिसाइबल के अंदर कई सारे और भी पाउडरी मिल्ट्री के मेंबर्स हैं जो कि अपने अपेंडेज के द्वारा पहचाने जाते हैं। जैसे एंसिनुला के अंदर जो है उसके अपेंडेज होते हैं वो कोइल्ड होते हैं, इरिसाइबी के अंदर से अपेंडेज उसके सीधे होते हैं। तो जितने भी पाउडरी मिल्ट्री के मेंबर्स हैं उनको क्लिस्टोथीसियम के ऊपर पाए जाने वाले अपेंडेजेस के आधार पर पहचाना जाता है। वालो क्लिस्टोथीसियम इज स्यूडो पैरेन्काइमेटस, देयर आर मेनी एसआई विद इन ईच क्लिस्टोथीसियम। प्रत्येक एस्कस के अंदर 2-4 एस्कोस्पोर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको जनरली 8 होते हैं, लेकिन उसमें से
छः लगभग डीजनरेट कर जाते हैं, और सामान्यतः प्रत्येक एसआई के अंदर दो ही एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका बॉडी देख सकते हैं, क्लिस्टोडिसम का ब्रेक बॉडी होता है ये पूरा दिखाया गया बॉडी, और इसके ऊपर ये अपेंडिजेस शो कर रखे हैं आपको, और अपेंडिजेस का आधार फूला हुआ दिखाई देता है आपको। इससे पहचाना जाता है कि ये फाइलेक्टिनिया है। तो फाइलेक्टिनिया को पहचानने के लिए उसके क्लिस्टोडिसम के अपेंडिजेस को करेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये फाइलेक्टिनिया के जो क्लिस्टोडिसम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसमें अपेंडिजेस बल्बस बेस वाले होते हैं, और ये जब सूखने लग जाते हैं तो ये डाउनवर्ड हो जाते हैं। डाउनवर्ड होने के साथ में ये अपेंडिजेज जो है वो क्लिस्टोडिसम की बॉडी को रप्चर कर देते हैं, और रप्चर करने के साथ ही जो है ये क्लिस्टोडिसम टूट जाता है, और टूटने के साथ ही अंदर की तरफ से जो एसआई और एस्कोस्पोर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और एसआई में से एस्कोस्पोर बाहर आकर के डिस्चार्ज हो जाते हैं, और डिस्चार्ज होने के साथ ही ये एस्कस जो है अपने एस्कोस्पोर को हैप्लोइड यूनिसेलुलर कोशिका के रूप में बाहर रिलीज कर देती है, और रिलीज करने के साथ ही जब वो अंकुरित होते हैं तो अंकुरित होकर के नए माइसिलियम का निर्माण करते हैं पत्ती की सरफेस के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से क्लिस्टोडिसम जो है वो कलर उसमें दिखाया गया है। ये इसका क्लिस्टोडिसम की बॉडी है, इसके ऊपर ये सारे बैंडेज दिखाए गए जिनके आधार फूले हुए दिखाई दे रहे हैं सारे, और इसकी बॉडी के अंदर की ओर जैसा कि आप जानते हैं केवल कई सारी एसआई पाई जाती है, एसआई है जिसके अंदर दो एस्कोस्पोर दिखाए गए हैं, और बाकी इसका ये पूरा अपेंडेज दिखाया गया जिसका आधार फूला हुआ है, और ये सामान्य जो इसका अपेंडेजेस है। तो क्लिस्टोडिसम फाइलेक्टिनिया का इस प्रकार पे हम पहचान सकते हैं। अगर इसका लाइफ साइकिल देखें तो लाइफ साइकिल के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया, नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें कोरिडिया बनते हैं जो कि कोरिडियो फोर के ऊपर लगे रहते हैं, अंकुरण के द्वारा पुनः ये फाइलेक्टिनिया का माइसिलियम बनाते हैं। लैंगिक जनन, इसके अंदर एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम बनता है, एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम के अंदर जो है प्लाज्मोगेमी संपन्न होती है, डाइग्रियोन बनता है, डाइग्रियोन के द्वारा इसके अंदर एस्कोगोनियम के अंदर एस्कोजिनस हाइबी बनती है, एस्कोजिनस हाइबी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है एस्कस मदर सेल के अंदर, और एस्कस मदर सेल के अंदर जो डिप्लोइड न्यूक्लियस होता है उसमें विभाजन से मियोसिस होता है, मियोसिस से एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है, और एस्कोस्पोर अंकुरित करके पुनः इसका नवजात माइसिलियम का निर्माण करते हैं। तो फाइलेक्टिनिया इस प्रकार से विभिन्न चित्रों द्वारा इसमें आपके उसके स्ट्रक्चर को समझाया गया किस प्रकार से फाइलेक्टिनिया की लाइफ साइकिल के अंदर अलैंगिक जनन होता है, उसके अंदर कोरिडिया बनते हैं, और लैंगिक जनन के अंदर किस प्रकार से इसके अंदर ये क्लिस्टोडिसम बनता है, क्लिस्टोडिसम के बल्बस स्पेस वाले अपेंडिजेस पाए जाते हैं, इसके अंदर एस्कस बनती है, एस्कस के अंदर दो एस्कोस्पोर होते हैं, ये इसका माइसिलियम है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको चित्र के द्वारा समझाई गई है। तो फाइलेक्टिनिया एक चुड़नील आशिता के रूप में एक एस्कोमाइसिटीज का एक सदस्य है, और इसके द्वारा सीसम के अंदर दलबर्जिया शिशु जिसको हम सफ़ेद सीसम कहते हैं उसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग का फैलाव किया जाता है। धन्यवाद।